नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम क्या है, ये पहले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो हमारा जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है अवर एनक्लोज्ड जो सरफेस होता है तो वो किसके इक्वल टू होता है, जो इनसाइड चार्ज होता है उस एनक्लोज्ड सरफेस के जब उसको वैक्यूम में रखते हैं, और इन टू वन बाई एप्सिलॉन टाइम होता है इस चार्ज के। तो यही चीज था। उसके अंदर हमने क्या लिया था, एक सफियर लिया था इस तरह से, और सेंटर में हमने एक चार्ज लिया था, मान लीजिए ये कोई भी चार्ज है प्लस के, वो चार्ज आप इसको मान लें। अब जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो चारों तरफ जो है, जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं इस तरह से, वो रेडियली आउटवर्ड की तरफ होती हैं, ये हमें पता है। और अगर हम ये देखें, ये वाली दूरी देखें सफियर की, तो ये r है, इसकी जो रेडियस है r है, और वो इक्वल दूरी है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एट एवरी पॉइंट अगर हम इसके चारों तरफ देखें वो बराबर होगी, क्योंकि सेम दूरी पर है। तो सेम दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है किसी भी चार्ज के कारण उसके चारों तरफ, वो सेम ही होती है, या उसकी स्ट्रेंथ कहें या उसकी पावर कह लें। तो इसी तरह से हम एक पॉइंट मान लेते हैं पी, एक पॉइंट हमने पी मान लिया यहाँ पर, इसको नाम दे देते हैं पी, और यहां से यहां तक हमें पता है कि ये रेडियस आर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है अगर हम देखें वो इस तरफ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है वो इस तरफ जा रही है। अब इस पॉइंट के अराउंड हम एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट मान लेते हैं, सरफेस एरिया एलिमेंट। और अब यहां से अगर इस सरफेस एरिया एलिमेंट का वेक्टर देखें वो किस तरफ होगा, वो उसी तरफ होगा जिस तरफ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है हमारे पास, और जो एरिया वेक्टर है उसका अगर हम उसकी डायरेक्शन देखेंगे वो भी नॉर्मली आउटवर्ड होता है, तो वो भी यहाँ से नॉर्मली आउटवर्ड होगा, जैसे इसको हम n कैप से दिखा देते हैं। तो E और n के बीच में अगर हम एंगल की बात करें, जो थीटा है वो जीरो है, तो यहां से ये तो हमें इस फिगर से क्लियर हो जाता है। और E कॉन्स्टेंट है एट एवरी पॉइंट, अगर r पे देखें, ये सारी r है, रेडियस है इसके चारों तरफ, तो E वहां पर कांस्टेंट भी है। तो इस फॉर्मूले से अगर हम ये फॉर्मूला लेते हैं, यानी कि जो इंटीग्रेशन है ओवर एन एनक्लोज्ड जो सरफेस एरिया हमने लिया है वैक्यूम के अंदर, तो E डॉट ds जो है वो हमारा Q बाय एप्सिलॉन O के बराबर है। अभी यहां पर क्योंकि चार्ज ये प्लस Q है, तो इसलिए इस Q की जगह, कैपिटल Q की जगह हमने स्मॉल Q लिख लिया, क्योंकि सेंटर में प्लस Q का चार्ज है स्मॉल जो हमने लिया है। अब देखिए, अब E डॉट ds को, या कहें E ds cos थीटा को, अगर इस जो डॉट को खोलते हैं हम, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, E ds cos थीटा। थीटा क्या है, यहाँ पर जीरो है, और E और n के बीच में देखें तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, cos जीरो डिग्री, और यहाँ पर ये क्या है, Q by epsilon नॉट, ये है। तो cos जीरो क्या होता है हमारा, वन, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, E ds इक्वल टू Q by epsilon नॉट, यही आ जाएगा, क्योंकि cos जीरो हमारा वन के बराबर है। अब यहाँ पर देखिए, जो E है वो भी तो कांस्टेंट है, जैसे हमने बात की कि सेम दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमारी सेम रहेगी, तो E को हम यहाँ पर बाहर ले सकते हैं इस इंटीग्रेशन से, और ds को यहाँ पर ले लेते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा Q by epsilon नॉट, क्योंकि ds जो है यहाँ पर अब इंटीग्रल करना है, ये तो हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया है, तो सबका अगर हम करेंगे टोटल जितने भी हैं, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन उसका हो जाएगा ओवर एन एनक्लोज्ड सरफेस, जो भी सरफेस है एनक्लोज्ड, जैसे हमने यहाँ पे सफियर लिया है। अब अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ ds करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होगा, यानी कि ये जो सफियर का एरिया है टोटल वो क्या होगा, वो है 4πr², वो भी हमें पता है, ये होता है उसका फॉर्मूला अगर इंटीग्रेशन करेंगे इसका, यानी कि पूरे का एरिया, तो सफियर है हमारे पास तो वो आ गया 4πr², तो यहाँ आ गया Q by epsilon नॉट। और यहां से अगर E की वैल्यू निकालते हैं, E की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, ये आ जाती है हमारे पास Q बाय, ये Q ऐसे ही 4πr² नीचे आ जाएगा, 4πr² आ जाएगा, एप्सिलॉन O आ जाएगा, या कहें कि 4πε₀r² आ जाएगा। अब ये जो E है, I है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एट एनी पॉइंट P, ये जो हमने लिया है, ये तो E आ गई। अब हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वो होता है E इंटू जो चार्ज होता है। अब ये यहाँ पर जो दूसरा चार्ज आएगा, अगर हम इस पॉइंट P पर कोई भी एक Q नोट चार्ज ले लें, अब इसके कारण से और इसके कारण से, अब यहाँ पर हमारे पास दो चार्ज हो गए, अगर हम यहाँ पर Q नोट चार्ज ले लेते हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स होगी तो वो क्या होगी, E इंटू Q नोट, क्योंकि जो फोर्स होगी वो किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इसके चार्ज के कारण से है,
और इनटू जो दूसरा चार्ज है जो कि ये क्यू नोट है, तो ये हो जाएगी। तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ई की वैल्यू हम ये पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे ये आ जाएगी क्यू बाय 4 पाई एप्साइलन ओ आर स्क्वायर और इनटू जो है ये क्यू नोट जो दूसरा चार्ज है क्यू नोट। अब ये जो फोर्स है, अगर हम इस फोर्स की बात करें और अगर इस रिलेशन की बात करें, ये किसका रिलेशन है, ये कूलम्स लॉ का रिलेशन है। तो इस तरह से हम जो है गॉस थ्योरम से हमने क्या किया, कूलम्स लॉ को निकाला। तो लेकिन इसके लिए बेसिक हमारे सारे क्लियर होने चाहिए, तो इस तरह से हम उसको यहाँ से डिडक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।